लेकिन मुझे उस एक श्लोक में समस्त विज्ञान दिख रहा है, परम तृप्ति का, आत्मबोध का। तो इसलिए जो पहला जो श्लोक है इस अपरोक्षानुभूति का, जो मंगलाचरण के रूप में जगत गुरु आर्य शंकराचार्य ने, उनके जो गुरु गोविंद पाद हैं और गोविंद वहां प्रतीक जो भगवान कृष्ण का जो परम तत्व जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, दोनों को लक्ष्य करके उन्होंने संबोधित किया है। तो उस हरि का स्वरूप क्या है जिसका वंदन कर रहे हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जिसका वंदन कर रहे हैं। आप ध्यान से श्रवण करें, बहुत ही क्रांतिकारी घटना घटने जा रही है। आपको जब कहा जाता है कि चलो ईश्वर की वंदना करते हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, तो आप सबके दिमाग में यही आता है, चलो भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, किसी अन्य लोक में, कहीं अन्यत्र भगवान कृष्ण मुरलीधारी और भगवान धनुषधारी सीता जी बीच में, और पीछे पीछे राम लक्ष्मण, उनकी उपयोगिता है, उन कथाओं की उपयोगिता है, बहुत आवश्यक है प्रारंभ में। लेकिन अब तत्व आप जानिए कि हरि कौन है। श्लोक पहले वो सुनिए, उसकी व्याख्या थोड़ी विस्तृत करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, जिनके पास टेंशन है, जिनके पास जो पारिवारिक सांसारिक जितनी व्यथाएं हैं प्रतिदिन आपको व्याकुल करके रखती हैं, ऐसी अचूक दवा है सृष्टि की, सारी मेडिसिन और डॉक्टर मिल करके जो कर ना पाएंगे। इसलिए परे ध्यान से सुनना, अभी और यही उपचार आपकी समस्याओं का जो मन सृजित हैं। तो वह पहला जो सूत्र मंगलाचरण का है, उसमें हरि कौन है और हरि का स्वरूप क्या है और हरि की वंदना मैं क्यों करूं। आप फल की दुकान पर गए हैं, केला खरीदना है। हाँ भाई, केला कैसे है? 60 रुपये किलो है। आपको पसंद नहीं आया, किलो नहीं दर्जन, आपको पसंद नहीं आया तो आपने लिया नहीं, नहीं लेंगे। अब दुकानदार बोले 60 रुपये दे दो मुझे, आप दोगे क्या? दिया है कभी आपने? जिस वस्तु की खरीद करने गए हैं वो वस्तु मिली नहीं तो आप क्यों दोगे उसको? भगवान की वंदना मैं क्यों करूं, मेरा प्रश्न है। देखिए, नास्तिक जैसा लगेगा लेकिन 2% की जो आस्तिकता है ना, उस पर ऐसा हथौड़ा मारेगा कि रातों रात क्रांति घट जाएगी। ये दिखावे की जो आस्तिकता है वो नास्तिकता से भी ज्यादा घातक है, आपके जीवन में समस्त दुखों का कारण है। हरि का स्वरूप कहाँ है मैं तो जानता ही नहीं हूं, किस लोक में है। तो आज हरि का दर्शन भी कराएंगे, अभी और यहीं, और क्यों हरि की वंदना करनी है, नित्य को ही क्यों, मेरा प्रियतम प्रियसी सर्वस्व वही हरि ही है, वह जानते हैं। वह श्लोक इस प्रकार है, मंगलाचरण में मैंने भी किया था, पहला श्लोक ही है। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानाम कारणम तम नमाम्यहम कारणं तं नमामि। श्री हरिं परमानंदम। श्री हरि कौन है? श्री हरि की आपकी वैदिक परिभाषा बताता हूं। हरि कौन है? हरति सर्व दुःख इति श्री हरि, जो समस्त दुखों का तत्काल हरण करता है वही हरि है। हरति सर्व दुख इति हरि। सृष्टि में आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका पति, आपका डॉक्टर, आपकी पत्नी, कोई भी, ये तो झूठा भी आश्वासन तो हिम्मत नहीं कर सकता है कि तेरे समस्त दुखों का हरण कर लूंगा। आश्वासन कहीं है? किसी ने दिया है? असंभव है। लेकिन एकमात्र जो हरि हैं, हरति सर्व दुख इति, उनकी तात्विक परिभाषा ही यही है।
कैसे, उसकी व्याख्या करेंगे, वैज्ञानिक व्याख्या समझेंगे, मान्यता नहीं, यही देखेंगे। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरम, श्री हरि स्वतः में ही परमानंद स्वरूप है। रात्रि का गहन अंधेरा सूर्य के उदित होने पर भी रहता है क्या? निशा और प्रकाशमान सूर्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। आपके जीवन में, ध्यान से सुने, आपके जीवन में जितने दुख हैं, जितने कष्ट है, जितनी चिंता है, जितना डिप्रेशन है, जितनी नकारात्मकता है, सब का सब, जितना अभाव है, जितनी दरिद्रता है, जितनी चिंता है, जितनी असुरक्षा है, सब का सब हरि से विमुख होने के कारण है। जो आनंद का एक अद्वितीय भंडार है, स्रोत है, अन्यत्र कहीं कोई आनंद नहीं, अन्यत्र कहीं कोई प्रेम नहीं, लेकिन उसी दिशा में आप जीवन भर गमन किए हो। अब वह जो श्री हरि परमानंद स्वरूप है, उदाहरण समझाया, अगर प्रकाश चाहिए तो दीवा, ये दिन में आयोजन हो रहा है, रात में तो नहीं हो रहा है, बहुत जगह आयोजन होते भी हैं जब से विद्युत का आविष्कार हुआ है तो, परंतु प्रकाश चाहिए तो आपको आनंद की खोज है, जो कि प्रमाणिक खोज है, व्यवहारिक खोज है, लेकिन गलत दिशा में तुम खोज रहे हो। तो अब चलो सही दिशा में चलते हैं। श्री हरि परमानंदम, उस हरि के सम्मुख होते हैं, उसको कहने के लिए भक्ति मार्ग में शरण कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सम्मुख होना शरण होना दोनों एक बात है। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरम, तो पहला क्या उनका कि श्री हरि की तो व्याख्या की कि समस्त दुखों का हरण करते हैं, पहली बात, क्योंकि वे परमानंद स्वरूप है। परमानंद में फिर दुख तो, दुख और सुख एक साथ नहीं हो सकते हैं। संसार में कभी कभी लगता है कि अच्छा 10 करोड़ रुपया तो मुझे आ गया, लेकिन कैंसर से पीड़ित हो गए मेरे ताऊ या मेरा बेटा हो गया, तो वो संसार में घटित होता है, लेकिन आत्यंतिक अर्थों में जिस प्रकार से सूरज और रात्रि एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो श्री हरि की उपस्थिति में, श्री हरि के सम्मुख होने पर किसी भी प्रकार के दुख की कहीं कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप है परमानंद। ये बिजली का बल्ब जल गया है तो इसके सामने खड़ा हो तो फिर भी अंधेरा रहेगा क्या? अपना प्रकाश बिखेर रहा है ना, 1000 वाट का लगा दूं भयंकर विस्फोट करे, तो वो तो अरबों अरबों वाट का जो पावर होता है, वह जो हरि है, जो चैतन्य ज्योति है, ज्योतियों की भी ज्योति है, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत 1938 में न्यूयॉर्क, मैनहट्टन जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग का नाम है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र संघ की, पहला जो परमाणु बम का अमेरिका में विस्फोट हुआ था और परीक्षण हुआ था, हाइजेनबर्ग हेड कर रहा था, तो जो पहला जो परमाणु विस्फोट, अभी प्रयोग जापान में नहीं अभी छोड़ा था, अभी तो प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए, तो जो विस्फोट हुआ तो उसने जो 11वां अध्याय है भगवद गीता के, वह उस श्लोक में जिसमें यह है कि एक, जैसे भगवान के परम स्वरूप का, विश्व रूप का दर्शन जब अर्जुन कर रहा है तो उसने कहा कि मुझे एक, जब भयभीत हो गया कि एक साथ हजारों सूर्य जैसे दीप्यमान हो रहे हैं, हे प्रभु कृपा करो अपने स्वरूप को बंद करो, इतना तेज है, तो वो संस्कृत का विद्वान था, क्रिश्चियन था, फिर भी उसने इसी श्लोक का उच्चारण किया है कि वह जो विस्फोट, परमाणु विस्फोट हुआ तो उसकी ऊर्जा इतनी तेज थी, तो विश्व के साहित्य में भी, संस्कृति में भी, काव्य में भी कहीं उससे तुलनीय कोई घटना, उसने पहली घटना हुई थी आधुनिक युग में, उसने वही कहा कि भगवद गीता में जो कृष्ण के स्वरूप का कि हजारों हजारों सूर्य जैसे कि आसमान में एक साथ उदित हो गए हो, वह वर्णन किया था, उसी रूप में वह परमानंद स्वरूप जो सूर्य है उसके समक्ष तुम संदेह हो रहा है कि मुझे डिप्रेशन होगा, मुझे चिंता होगी, मुझे भय होगी, विज्ञान नहीं समझ रहे हो इसका तात्पर्य है कि तुम, वह जहां तक, और वास्तव में तो सर्वत्र है,
तो वह परमानंद स्वरूप है, तुम उसके विमुख हो तो उसकी उसका प्रकाश, उसकी ज्योति नहीं आ रही है, उसकी माया, उसकी छाया, ये समस्त जगत जो है उसकी माया है, छाया है, उसके प्रकाश में तुम जी रहे हो। श्री हरि जो परमानंद स्वरूप है, श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम, और वही उपदेष्टा है, उपदेष्टा टीचर, गुरु, गुरु के रूप में नारायण ही, जो मंगलाचरण जो प्रारंभ करता हूँ ना प्रतिदिन, वो नारायण से भगवान श्रीमन नारायण प्रथम गुरु हैं। ये सन्यासियों का परमहंस सन्यासियों का गोत्र नारायणी गोत्र है, संकल्प होता है नारायण गोत्र का, साक्षात वंशज है ऋषि। अब मंगलाचरण में देखा, वंश ऋषिभ्यो, ऋषियों के वंशज है और नारायण गोत्री हैं, नारायण प्रथम गुरु हैं, अपने पुत्र ब्रह्मा को दिया ज्ञान और वहां से अभी तक जो आ रही है परंपरा। तो नारायण ही प्रथम उपदेष्टा है और सृष्टि में वैदिक धर्म में एक बड़ा सुंदर अभी अभी मुझे वाक्य आया कि पहला व्यक्ति सृष्टि में जो डिप्रेशन का शिकार हुआ, जो दुखी हुआ, वो ब्रह्मा जी थे, प्रथम मानस पुत्र थे श्रीमन नारायण के, सृष्टि की रचना कर दी और सर्वत्र अकेला अकेला अकेलापन, ही वॉज फीलिंग सो अलोन, लोनलीनेस। तब प्रार्थना की अपने पिता श्रीमन नारायण को, तब श्रीमन नारायण यही ब्रह्म विद्या दी, ये समस्त जो उपनिषद हैं श्रीमन नारायण के द्वारा अपने पुत्र डिप्रेशन के शिकार हो जाने, बड़े चिंतित हो गए, मन ही नहीं लग रहा है मुझे तो, इस सृष्टि की रचना करने को आपने दी विद्या थी, मैंने कर दी मेरा, लेकिन ये तो बड़ा नीरस हो गया है जीवन। फिर उन्होंने यही जो उपनिषद की विद्या है, जो भगवद गीता में वर्णित है, ब्रह्म सूत्र में वर्णित है, वह जो आत्मबोध आत्म साक्षात्कार की विद्या है, वो श्रीमन नारायण ने यही दी कि तुमने जिस सृष्टि का सृजन किया है उसमें तुम फंस गए, जो बाह्यमुखी नाम रूप में, अब तुम अपने केंद्र पर जाकर देखो, मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूं, तेरे अंदर भी तेरे हृदय में मैं नित्य विद्यमान हूं और मैं तो परमानंद स्वरूप हूं, वहां पर तो मैं एक अद्वितीय तत्व हूं, परंतु आनंद का अनंत भंडार हूं, अकेलेपन की क्या संभावना है? अकेलेपन तो ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट पजल ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, अकेलापन तो उसी को हो सकता है, अकेलेपन का शिकार तो वही होता है जिसे किसी दूसरे के संग की अपेक्षा है, कल्पना है, आशा है। मैं तो वह अद्वितीय तत्व हूं जिसमें यह चैतन्य ज्योति हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, और मैं सतह सदा आनंद स्वरूप है, किसी दूसरे के संग से मुझे सुख नहीं मिलता, किसी दूसरे के सानिध्य से मैं आनंदित और प्रेम से मगन नहीं होता हूं, मैं स्वतः स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हूं, मैं स्वभाव से ही नारायण के रूप में, श्रीहरि का वर्णन कर रहा हूं, जो श्रीहरि नारायण हमारी आत्मा के रूप में, जिसका प्रणाम प्रतिदिन आपको बोल रहा हूं कि आपके हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं, ये वाक्य नहीं है प्रशंसा करने के लिए नहीं है, ये वहां का जो शाश्वत सत्य है, उपनिषद वर्णित अनुभूत सत्य है, वह सत्य है कि आपके अंदर जो बैठा है वो मेरा जो सत्य है वही बैठा है। तो वह जो श्री हरि हैं, परमानंद स्वरूप हैं, वही गुरु बन करके आए हैं, नारायण की परंपरा बताया, और दुख निवारक जड़ी बूटी सिर्फ उस नारायण के पास है, और वह ज्ञान स्वरूप है, हरा मिर्चा, लाल टमाटर और जो टोटके करते हैं वह नहीं है, वह विद्या है। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरम, वह जो ईश्वर है, जो श्री हरि जो है परमानंद स्वरूप है, वही गुरु है, व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं, ब्रह्मांड के कण कण में वही एकमात्र सतरूप से व्याप्त तत्व है। व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं, समस्त नाम रूपात्मक जगत में कारण रूप से वही व्याप्त है। उदाहरण, जिस प्रकार से स्वर्ण से बने जितने आभूषण हैं, सोने से बने हजारों हजारों आभूषण, माताएं ज्यादा उनका नाम जानती होंगी,
हार, कर्ण फूल, अंगूठी, ये चीज हजारों नाम रख लीजिए, परंतु वे सब के सब सोना के सिवाय कुछ और है क्या? पदार्थ क्या है? वो नाम रूप तो कल्पना है, वह तत्व पदार्थ स्वर्ण है। आप हार बेचने के लिए ले जाओ सोनार के पास, या अंगूठी ले जाओ, वजन करके जितना वजन होगा उससे नाम रूप से कुछ लेना देना नहीं है। तो वह जो कारण रूप से इस समस्त ब्रह्मांड में जो व्याप्त जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही जो सोने सोने से बने समस्त आभूषण का कारण कौन है? सोना। उसी प्रकार से अभी यही सदा सर्वदा जो इस अभी जो वक्ता बोल रहा है और जो श्रोता वहां श्रवण कर रहा है, अस्तित्व का कारण है, समस्त क्रिया का कारण है। उस हरि की अनुपस्थिति में यह वक्ता न बोल सकता है, न आप वहां सुन सकते हैं। ये क्रिया अभी और यही जो घटित हो रही है, नारायण की जो चैतन्य सत्ता है, जो चैतन्य ब्रह्म है, उसकी उपस्थिति से ही ये सब आप अनुभव में, जो सांसारिक निकृष्ट भोग भी कहते हैं, इंद्रिय भोग, वह भी परमात्म सत्ता की उपस्थिति में ही, पाप कर्म भी परमात्मा की अनुपस्थिति में नहीं घटित हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के बिना तो कुछ अस्तित्व में ही नहीं है। अगर बुरा कोई गहना बना है, आभूषण, बुरा गहना का रूप होगा, रंग होगा, होगा सोना ही, सोने से बने जितने गहने, कोई बोले आपने ठीक नहीं बनाया, मुझे पसंद नहीं आया, अरे पसंद उसका रंग, नाम और रूप गड़बड़ होगा, सोना तो सोना पड़ा है, तोड़ ताड़ के फिर बना देगा। इसी प्रकार से सृष्टि में जो समस्त पदार्थ हैं, समस्त वस्तुएं हैं, जितनी अनुभूतियां हो रही हैं, जितना आप भोग कर रहे हो, जो कुछ भी क्रिया घटित हो रही है, समस्त क्रिया उस परमानंद स्वरूप, सर्वव्यापक आधारभूत अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा में ही और परमात्मा से ही घटित हो रही है। अतः परमात्मा अभी विद्यमान है, उसकी अनुपस्थिति में यह वाणी आप तक पहुंच नहीं सकती, न यह वक्ता बोल सकता है, न आप सुन सकते हैं। यहां यहां पर वह जो परब्रह्म परमात्मा है, श्रोता की श्रवण शक्ति कान के उपकरण के माध्यम से और वक्ता की जो जिह्वा के माध्यम से जो शब्द निश्चित हो रहे हैं, और बुद्धि जिस प्रकार से यह निर्णय करके कि क्या बोलूं, श्रोता कौन है और मुझे क्या उपदेश देना है, यह समस्त निर्णय उस चैतन्य प्रकाश में घटित हो रहा है। चैतन्य प्रकाश की अनुपस्थिति में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र का न अस्तित्व है, न कोई बोध संभव है। इसलिए जहां कहीं भी सत सत अर्थात श्री हरि को सच्चिदानंद ही बोलते हैं, सत चित आनंद, सत मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, चित कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध, उसे ही आत्मा कहते हैं, और आनंद अक्षय सुख का भंडार, प्रेम मूर्ति, इन तीनों रूपों में अभी यही सदा सर्वदा जो व्यक्ति डिप्रेशन से भी ग्रस्त है, जो भय से भी ग्रस्त है, रोग से भी ग्रस्त है, दारिद्रता से भी ग्रस्त है, वहां पर श्री हरि जो परम वैभवशाली है, अमरत्व है, सृष्टि का सृष्टा है, विधि का विधाता है, नियति का नियंता है, वह हरि विद्यमान है, वह परमात्मा नित्य उपलब्ध वस्तु है तुम्हारे हृदय में आत्म रूप से। परंतु सृष्टि के समस्त जगत के अधिष्ठान होते हुए भी तुम डिप्रेशन से सफर कर रहे हो, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ रहा है, दुखी हो रहे हो, रोग का भय है, मृत्यु का भय है, अपमान का भय है, सगे संबंधी से बिछुड़ने का भय है, मेरा सगा संबंधी मर जाएगा, अरे जो है वह मरने की कोई संभावना उसकी नहीं है, और जो है नहीं वही वास्तव में वो सदा मरा ही हुआ है, जो तुम्हारा शरीर जिसे सत्य मान रहे हो अभी भी वह नहीं, वह है नहीं, तुम्हें लग रहा है कि ये जो शब्द हैं तुम्हारे कान सुन रहे हैं, तुम्हारा शरीर ये छाया मात्र है, ये समस्त जो जगत है छाया है, शैडो, पुअर शैडो, जो सुन रहा है वह चैतन्य ब्रह्म है, और जो बोल रहा है वह चैतन्य ब्रह्म है, और इस रूप में अभी नारायण विद्यमान है। तो नारायण का जो ये स्वरूप है, अब मुझे ये बताओ कि नारायण का वंदन करना चाहिए कि नहीं, अर्थात नारायण को प्राप्त करना चाहिए कि नहीं, ये सौदेबाजी, सौदेबाजी अगर ना करूं तो मूर्ख व्यापारी मेरे से ज्यादा कौन है,
अध्यात्म विद्या सबसे चालाक सबसे बुद्धिमान व्यापारी होना है। मेरे गुरुदेव जो ब्रह्मनिष्ठ अभी के समय सर्वमान्य थे वो बोलते थे, सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है भगवत गीता का उसका जो 49th वर्स उसकी व्याख्या में बोलते थे, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसके अगले लोग बोले अच्छा बिना फल के मैं काम करूं, अरे मूर्ख हूं क्या मैं क्यों काम करूं, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे लाभ नहीं होगा तो ऐसा धंधा बना बाबा हम ये नहीं करने वाले हैं। और ये गृहस्थों की ही बात नहीं है, आपसे ज्यादा जो मठों में बैठे हुए लोग हैं मेरे ये वस्त्र पहन करके उनमें थोड़ी और ज्यादा भी मिल जाएगा। अरे चेला बनना है तुम्हें, पहले पता करेंगे प्रोफाइल, कब करते थे तुम, कितनी बड़ी नौकरी करते थे, कितना बैंक बैलेंस है। अब जब वहां पर बोलो कि मेरे पास इतने करोड़ पैसे हैं, मुझे विरक्त हो चुका हूं, पत्नी को नहीं देना है, बेटों को नहीं देना, अब तो जो है आपके चरणों में आ बेटा आ जा शिष्य बन जा। सौदा कुछ भी आपको जो सांसारिक जो सौदा है व्यापार उसमें यही देखते हो कि मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वहां पर तुमने अर्थ ही नहीं समझा, तो मेरे गुरुदेव कहते हैं अरे मूर्ख तू क्षुद्र व्यापारी क्यों बनता है, या तू नौकरी ही करता है तो 2% की नौकरी क्यों करता है, ऐसी नौकरी करके दुनिया का सारा जो धन है तुम्हें तुम्हारे पगाड़ में मिल जाए, वही नौकरी है। भगवान कृष्ण ने जो सांख्य योग में निष्काम कर्म का जो सिद्धांत दिया है, सकाम से तुम संसार पाते हो, क्षुद्र को पाते हो, निष्काम होते हो तुम उस परम विराट परमानंद स्वरूप हरि को पा लेते हो, वह तो वास्तव में तो नित्य प्राप्त वस्तु है तुम्हारी आत्मा के रूप में, परंतु भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान का निषेध हो जाता है तो साक्षात प्रकट हो जाता है, जिसे आत्मबोध आत्म साक्षात्कार जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसके जान लेने से, जिसका जन्म नहीं जिसकी मृत्यु नहीं, जिसमें दुख की कोई संभावना ही नहीं, समस्त दुख जड़ में है, चेतन स्वतः ही आनंद स्वरूप है, समस्त अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति में है, सूर्य की उपस्थिति में कभी अंधकार देखा है आपने, सूर्य ग्रहण लगता है या बदली लगती है तो बदली बीच में उस प्रकाश को रोकेगी, कोई अवरोधक बनना चाहिए नहीं तो सूर्य तो प्रचंड रूप से अपना प्रकाश बिखेरेगा। उसी प्रकार से हमारी जो कामनाएं हैं वासनाएं हैं, जो संसार में जो मेरी आसक्ति है, संतान में, पति में, पुत्र में, धन में, वैभव में, आलिशान बंगले में, पद में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, ये सब के सब अवरोधक हैं मुझे उस परमानंद स्वरूप जो प्राप्त परम वैभव है उसके दर्शन में। एकमात्र बाधा यही है क्योंकि ये सब के सब वस्तुएं बाहर में हैं और नित्य मैं बाह्य वस्तुओं में आसक्त हो जाता हूँ, और नित्य कृष्ण यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं आनंद में और कृष्ण कृष्ण रट रहे हो, यहाँ पर धनुर्धरधारी राम नित्य विद्यमान है, अध्यात्म रामायण में महर्षि वाल्मीकि उद्घोष कर रहे हैं रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्चित आनंद है वह उनका स्वरूप है और सभी जीवों के आत्मा के रूप में विद्यमान है। और यही श्लोक भगवद गीता का पहला मंगलाचरण सुखदेव जी करते हैं, वो भी यही कहते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उस पर अगर चिंतन मनन करें जो भागवत सुनने सुनाने वाले, तो जो ये जो व्यापार इन्होंने भागवत के नाम पर नौटंकी चला रखी है वो स्वतः बंद स्वतः उनको लज्जा आएगी। एक ही श्लोक को समझे कि स्वतः सुखदेव ही क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वहां जिस तत्व का निरूपण कर रहे हैं, जो कृष्ण है वह जो सच्चिदानंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रह्म वह जो परम अधिष्ठान है समस्त जगत का, समस्त जगत का अधिष्ठान है, उसका आवाहन कर रहे हैं। और कृष्ण वहां बने हैं निमित्त, जो अवतारी पुरुष हैं उस कृष्ण का आवाहन कर रहे हैं। और भगवद गीता में भी एक एक जगह एक श्लोक में बताओ जहां कहा कि श्री कृष्ण उवाच, कहीं नहीं
क्योंकि वो देवकी नंदन का लग जरूर रहा है कि उनका उपदेश है, लेकिन वह निर्गुण निराकार जो श्री हरि हैं उनका उपदेश है। स्वामी विवेकानंद ये बार बार, उनका कोई भाष्य नहीं है भगवद गीता पर, लेकिन कुछ उनके जो प्रवचन अमेरिका में दिए हैं, मैंने छोटा सा संकलन उस पर कुछ श्लोकों पर, ये बड़ी प्रखरता से उन्होंने इस बात को रखा है कि जब भी तुम अगर भगवद गीता का वक्ता कृष्ण जो देवकी नंदन है और कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बीच में अर्जुन को संदेश दे रहा है, उस रूप में देख करके समझोगे भगवद गीता का जो रहस्य, चूक जाओगे, नहीं समझ पाओगे। जब भी जब कृष्ण का उदाहरण के लिए देखे, जब कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस एक श्लोक को समझ लें तो बहुत सी बुराइयां, बहुत सी विपदाएं जो सनातन संस्कृति में जो दरिद्रता हमारे अंदर आ गए हैं, तत्काल उनसे निषेध मिल जाएगा, निराकरण हो जाएगा। भगवान वहां पर जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब जब आम भाषा में सोच रहे हैं कि अच्छा कृष्ण वहां युद्ध भूमि में खड़े हैं, अर्जुन भी खड़ा है, तो कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाना, अर्थात मैं जो देवकी नंदन हूं तो मेरा पैर पड़। जिस तरह से पॉलिटिशियन जो इस देश के माफिया तंत्र के लोग, मैं नाम नहीं लेने जा रहा हूं, हर पार्टी में डिक्लेयर्ड है तो बोलते हैं प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। देखो अच्छा बिजनेस है, कितने सौ करोड़ का तुम्हारा बिजनेस है साहब? ज़्यादा नहीं है, 600-700 करोड़ का टर्नओवर है। देखो भाई 600-700 करोड़ कमाते हो, चलो ज़्यादा नहीं कमाते हो, तो हमें तो समाज सेवा करनी है। जो माफिया है ना, वो पैसा ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं समाज सेवा करनी है पार्ट, तो चलो 600-700 करोड़ का टर्नओवर है तो चलो 10% ही केवल दे देना हमें, 50-60 करोड़ दे दो, हमारे पार्टी फंड में दे दो या मेरे यहाँ पहुँचा देना। तो क्या करूँगा, प्रोटेक्शन मनी। जो कृष्ण कह रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि आज के समय में जो कहता है कि तुमने जो घटना घटी, मैं नाम नहीं लेने जा रहा हूं अभी, जो इलाहाबाद वाली और हर जगह घट रही है कुछ पता, कृष्ण का रूप भी वहां यहीं बनेगा, कह रहे हैं कि अरे मेरे तो शरण हो जा, नतमस्तक हो जा, सबसे तुम्हें बचा लूंगा, वह यह नहीं कह रहे हैं। और चूक गए आप, पहले ही मैंने बताया कि जीवन के तुम्हारे जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, जितने भय हैं, हरि से तुम विमुख हो, सूर्य के विमुख होकर तुम प्रकाश की खोज कर रहे हो। वह कह रहे हैं कि तुम, मैं एकमात्र आनंद का, प्रेम का, सौंदर्य का अधिष्ठान हूं, भंडार हूं, लेकिन तुम विपरीत दशा में। और जो वहां पर जो निमित्त है, केवल अर्जुन प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को वहां पर संबोधित कर रहे हैं कि मुझसे विमुख रहोगे तो दुख तो भोगना पड़ेगा, संताप भोगना पड़ेगा, भय और असुरक्षा तो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम। किसी राष्ट्र के अध्यक्ष भी हो जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, अमेरिका के, भारत के प्रधानमंत्री और उसके राष्ट्रपति बन जाओ, और लाइफ लॉन्ग, पुतिन ने भी बना लिया है, चीन के राष्ट्रपति ने तो बना ही लिया है जीवन भर के लिए, परंतु प्रतिदिन आप कभी कभी मीडिया में देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, कि सत्ता पलट कुछ चीन में हो गई, और ये सारे जितने ने संविधान में परिवर्तन ला करके भी जीवन भर पदासीन रहना है, भय से ग्रस्त है। कृष्ण जिस, इससे बिल्कुल विपरीत कृष्ण यह कह रहे हैं, बस सरल कह रहे हैं कि तू माया छाया जो नाम रूपात्मक जगत, उसके तू सम्मुख है, इसलिए असुरक्षा है, दुख है, भय है, जन्म है, मृत्यु है, रोग है, व्याधि है, अभाव है, दारिद्र है, तू मेरे सम्मुख हो जा, अर्थात जो चैतन्य रूप से तुम्हारी आत्मा में जो मैं विद्यमान हूं, उसकी शरणागति करने को कृष्ण बोल रहे हैं। माफिया नहीं है श्री कृष्ण की, बोले कि प्रोटेक्शन मनी चाहिए तुम्हारी श्रद्धा नहीं, सत्य को समर्पण। कृष्ण वहां पर तात्पर्य है सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो शाश्वत सत्य है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो आनंद का अनंत महासागर है, जो प्रेम का अनंत महासागर है, जो सौंदर्य मूर्ति है, वह जो स्वभाव से ही इन सभी गुणों से संपन्न है, उसके सम्मुख होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एकमात्र मोक्ष अर्थात मुक्ति
फ्रीडम, लिबरेशन, सभी सुचाह, सुचाह मतलब शोक, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सारे सुचाह शब्द से आ जाते हैं। किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार की चिंता तुम्हें बच ना पाएगी, मेरी शरण में आते, मेरी शरण का तात्पर्य मेरे सम्मुख हो जाओ। कृष्ण उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो कम से कम 25 श्लोकों में गीता में कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव की आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, उस तुम्हारे आत्मा में जो विद्यमान हूँ उसकी शरणागति, वही तो निर्विकल्प समाधि है जिसे मोक्ष कहा जाता है, यह विद्या कह रहे हैं। और वह घटना अभी और यहीं घट सकती है, बस एक योग्य गुरु चाहिए जिसने उस तत्व को पा लिया है, जो वह जो सच्चिदानंद घन स्वरूप जो आनंद का महासागर है, उसका अगर रसपान किया है, उसने चखा है, उसकी विधि जानी है, तो वह आपको तत्काल वह पथ बता देगा, उपलब्ध करा देगा वस्तु। प्रत्येक विषय के गुरु होते हैं, उसी प्रकार से इस विद्या के भी, जो जिसने जाना, जिसने जिसे प्राप्त कर लिया, वह तो प्राप्त करा सकता है। शरणागति का बस इतना ही मात्र है, इसमें इन्हीं सबों की चर्चा है कि शास्त्र में, ईश्वर में, गुरु में शरणागति क्यों? क्योंकि ईश्वर में शरणागति क्यों? अरे ईश्वर जो जिसे कह रहे हैं, हरि कह रहे हैं, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह एक, उसे ही तो तुम ढूंढ रहे हो, तुम आनंद ढूंढ रहे हो, तुम प्रेम खोज रहे हो, तुम सुरक्षा खोज रहे हो, तुम अभय भाव खोज रहे हो कि मुझे कोई भय व्याप्त ना हो। सृष्टि में कोई आदमी है जो भयग्रस्त नहीं है? चीन का राष्ट्रपति हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रूस का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधान, कोई ऐसा है? कितनी सुरक्षा कवच में चलते हैं। लेकिन अभयं, अभयं का एकमात्र महामंत्र है उपनिषदों में वर्णित और भगवद गीता में वर्णित, जो चैतन्य की शरणागति में जाता है अभी और यहीं, वह शाश्वत सुरक्षा कवच पा लेता है, क्योंकि वह वही हो जाता है जो अभेद्य है, जो असंग है, उसके सिवाय कोई तत्व ही नहीं, जिसकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांड सृजित हो जाते हैं और तत्काल प्रलय को भी उपलब्ध हो जाते हैं। वह चैतन्य ब्रह्म ही वह तत्व है जो नित्य उपलब्ध तत्व है। इसलिए तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उस सच्चिदानंद घन स्वरूप जो श्री हरि हैं, जो ईश्वर हैं, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अभी और यहीं तुम्हारे मन बुद्धि का प्रकाशक है, वही तुम्हारी आत्मा है, उपलब्ध है। और बाह्य मुखी जो तुम्हारी इंद्रियां माया जगत में भाग रही हैं, उन्हें अब उपरति, इसमें व्याख्या करूंगा, उनको विपरीत दिशा में लाओ और तत्काल मुक्त हो जाओ सभी दुखों से, सभी संतापों से, सभी भय से, सभी दरिद्रता से, सभी रोग से, सभी चिंता से, अभी और यहीं हो जाओगे तत्काल। क्योंकि जून का महीना है, बदली भी नहीं है, और कोई बोले जाओ खुली खुले आसमान में, तुम कोई बोले कि मुझे सूर्य के दर्शन करने हैं, थोड़े प्रकाश चाहिए, मुझे ठंडक लग रही है, आपको कोई शंका होगी, भय होगा कि जून और मई का महीना है, अब बोले कि छत पर चले जाओ, आनंद उत्सव आश्रम के छत पर चले जाओ। अरे जनवरी का महीना रहेगा, थोड़ा संदेह भी होगा कि ठंडक लग रही है, सूर्य की कितनी प्रखरता है, लेकिन मई और जून के महीने में सूर्य अपनी चरम शिखर पर अपने तेज को बिखरता है, तो जरा भी किसी मूर्ख को भी संदेह होगा कि छत पर जाऊंगा मैं या खुले मैदान में जाऊंगा तो अंधेरा रहने की संभावना है क्या? सूर्य और यही जो सच्चिदानंद दिनेश कहते हैं, राम को भी, कृष्ण को भी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, दिनेश शब्द जो है, दिनेश मतलब सूर्य होता है, वो सच्चिदानंद दिनेश है। ये तो सूर्य आते हैं जाते हैं हमारे अध्यात्म के अनुसार, जो बताया ना कल, मैं आता जाता नहीं हूं, जो ब्रह्म तत्व, जो आत्म तत्व है, लेकिन ये सूर्य तो अनंत सूर्य आते जाते हैं, मेरे प्रकाश में ये प्रकाशित होते हैं। तो वह राम या कृष्ण को जब सच्चिदानंद दिनेश कह रहे हैं, तो वह आत्म रूप से वह नित्य उपलब्ध वस्तु है, वह आनंद सागर है, चैतन्य सागर है। इसलिए आत्मबोध करना, इसलिए भक्ति करना, आत्मबोध साक्षात नहीं होगा, अगर चित्त की शुद्धि के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है, ये इसकी व्याख्या कर रहा हूं अगले श्लोक की। योग मार्ग से कुछ योगासन करें, प्राणायाम करें, जो सुबह में यहां पर किया, लेकिन सबसे प्रभावी भक्ति मार्ग है, चित्त की शुद्धि का
संक्षेप में बताऊं कि मूल माया क्या है, अविद्या क्या है, कारण क्या है, जो त्रिगुणात्मिका माया है, जो अविद्या है, उसकी दो शक्तियां हैं, एक अविद्या अज्ञान और दूसरा विक्षेप। रज्जु सर्प न्याय के माध्यम से कल समझाया था कि अंधेरे में रस्सी का स्पर्श हुआ लेकिन अंधेरा था तो रस्सी मुझे समझ में नहीं आई और मुझे यह पता चला कि यह क्या है, यह पता नहीं चला तो वहां अज्ञान घटित हुआ। लेकिन दूसरे क्षण जो मेरे भूत की कल्पनाएं थी, स्मृतियां थी, जो भय थे, वहां पर सर्प को कल्पित कर लिया, वह भ्रम हुआ, वही माया है। दो शक्तियों ने ही शिव को जीव बना दिया है। इन दोनों शक्तियों का निषेध ही इन माया शक्तियां हैं, परमात्मा की ही शक्तियां हैं। इनका निषेध करते ही तत्काल वह श्रीहरि प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह उपस्थित है तुम्हारी आत्मा के रूप में। तो पहला क्या बोध हुआ, अज्ञान क्या हुआ, कि मैं जीव हूं, जीव अर्थात मैं शरीर हूं, मेरी उत्पत्ति कुछ दशक पहले हुई है, कुछ समय चल रहा है, अब मैं मरने वाला हूं, यह अज्ञान है मेरा। मेरी आत्मा का बोध नहीं, मेरे शरीर का बोध को मैंने सम्यक बोध मान लिया है, इसलिए मृत्यु को, भय को, आशंका को, रोग को, चिंता को ग्रस्त हो रहा हूं। अब मैंने गुरु कृपा से, गुरु की शरणागति से, ईश्वर की शरणागति से अपने स्वरूप को जब मैंने जाना तो मुझे पता चला कि जो मेरे मन बुद्धि का अंतःकरण का जो प्रकाशक है, जो चैतन्य प्रकाश है, जो मेरे सुषुप्ति का भी प्रकाशक, जागृत का भी प्रकाशक, स्वप्न जगत का भी प्रकाशक है और एक रस है और सच्चिदानंद दिनेश है, वह उदयस्त रहित सूरज इसे बोलते हैं। वह सूरज, यह जो सूरज आप देखते हैं प्रतिदिन, वह तो उदित होता है और अस्त होता है, लेकिन मैं जो आत्म रूप से आत्म दिनेश हूं, वह सच्चिदानंद दिनेश हूं, उदय अस्त रहित हूं। मेरा उदय नहीं होता इसलिए मेरा अस्त नहीं होता, मैं शाश्वत सत्य हूं। मेरे आनंद में खलल डालने की किसी की क्षमता नहीं है, मेरे प्रेम भाव को, मेरे आनंद भाव को, मेरे सौंदर्य भाव को अवरुद्ध करने की किसी की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं सच्चिदा सत्चित आनंद तीनों मैं ही हूं और वह चैतन्य सत्ता प्रत्येक जीव के आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध वस्तु है। उस तत्व की उपस्थिति में, बोध में, न मृत्यु का भय, न रोग का भय, न संताप का, ये समस्त जो भय है, दुख है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंता है, असुरक्षा है, ये शरीर मानने के कारण है। शरीर और शरीर के संबंध पति काव्यों में बोलता है, पति पत्नी का संबंध रूहानी है, आत्मीय है, ये कवि की कल्पना है। कोई भी संबंध रूहानी नहीं, आत्मीय नहीं, आत्मा तो एक अद्वितीय सत्य है। सारे संबंध तुम्हारे देह के हैं, प्रपंच के हैं, भूत के हैं, छाया के हैं, माया के हैं। परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं, तो संबंध कहां से होगा। वह असंग तत्व है, एक अद्वितीय चैतन्य तत्व है, वह तुम्हारे शरीर में भी है और ब्रह्मांड के ब्रह्मा से लेकर कीट कोटरे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी आत्मा के रूप में भी विद्यमान है। परंतु किसी के, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कई जगह कह रहे हैं, मैं सभी जीवों के शरीरों में व्याप्त हूं, परंतु मैंने किसी का स्पर्श नहीं किया, न किसी ने मुझे स्पर्श किया है। बड़ा गहन दर्शन है, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ा स्पष्ट है। वह जो चैतन्य प्रकाश है उसे, वह असंग तत्व है, उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। सुबह में मैंने व्याख्या की थी, तो आकाश है, अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो आकाश को जलाती है क्या? रात में तूफान आया, रात में बारिश हुई, स्पर्श कर पाई क्या आकाश को? वह असंग तत्व है। इसी तरह उपनिषदों में अनंत जगह वर्णित है, भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में भी कह रहे हैं, जिस प्रकार से जो आसमान है नित्य असंग है, तो आसमान से भी लाखों करोड़ों गुना सूक्ष्म तत्व तुम्हारी आत्मा है, उसे स्पर्श करने की कहीं किसी की कोई संभावना नहीं, कोई सत्ता नहीं, एकमात्र सत्य है। तो दुख कैसे स्पर्श करेगा? दुख तो तुम्हारे शरीर को ही स्पर्श करता है।
अस्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, और मैं इन तीनों शरीरों का प्रकाशक अधिष्ठान मैं चैतन्य आत्मा हूं। अब बताओ मुझे कैसे स्पर्श करेगा? और इसलिए सारे जो दुख हैं, ये सारे दुख शरीर का जो हमें जो अज्ञान हो गया कि मैं शरीर हूं, तो मेरा पत्नी, पति मेरा पति, मेरी पत्नी मेरी संतान, मेरे माता पिता, मेरा मित्र मेरा शत्रु, मेरा शिष्य मेरा गुरु, मेरा पड़ोसी, ये सब के सब शरीर के संबंध हैं। द्वैत जगत, द्वैत जगत अर्थात अज्ञान का जगत, और अपने स्वरूप का जो चैतन्य तत्व है, जो नित्य अभी इस वाणी को भी प्रकाशित कर रहा है और आपके श्रवण शक्ति को वहां प्रकाशित कर रहा है, वह चैतन्य ब्रह्म, उसमें किसी प्रकार के किसी शोक की दुख की कोई संभावना नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि क्या उस परब्रह्म की शरणागति करना विज्ञान है या ब्लाइंड फेथ है? वह जो परब्रह्म परमात्मा और जो गुरु बैठा है वह डंके की चोट पर कह रहा है कि मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं और तुझे भी दिखाऊंगा, शर्तें ये हैं, उसे ही योग्यता बोलते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन यम नियम प्राणायाम, ये कर, अपने चित्त को, सबका लक्ष्य एक है, अपने चित्त को शुद्ध कर, विषय मुक्त कर, अभी तत्काल अभी तू यही परमात्मा का दर्शन करेगा, शर्त बस इतनी है कि चित्त को शुद्ध कर। चित्त को शुद्ध कर अर्थात जो बाह्य विषयों में नित्य संलग्न जो रति क्रीड़ा कर रहा है और उसके लिए भूखा प्यासा जो तुम्हारा मन है, उसको उपरति के माध्यम से ला अपने केंद्र पर। समस्त वैदिक मांगमय, समस्त भगवद गीता, समस्त उपनिषद बस ये एक पंक्ति की घटना घटाने के लिए है, जो तुम्हारी चेतना इंद्रियों से, शरीर से और बुद्धि से बाह्यमुखी है उसको अंतर्मुखी करके यहां पर केंद्र पर। समस्त उपनिषद यही विद्या, जिस दिन जान लिया अभी और यही वह परमात्मा तुम्हारा अनुभूत सत्य हो जाएगा, वह हरि जो परमानंद है, वही गुरु भी है, वही ब्रह्मांड का अधिष्ठान भी है, और वह तत्व तब तुम्हें पता चलेगा कि वह तो मैं ही हूं, मेरे सिवाय किसी नर में किसी नारी में प्रेम की एक कणिका मात्र भी नहीं है, कहीं सुख की एक कणिका मात्र भी नहीं है, सब मेरे अज्ञान में घटित हो रहा था, भिखारी मैं अज्ञान में बन गया था, अरे वास्तव में तो मैं सम्राटों का सम्राट था, हूं और रहूंगा, लेकिन मुझे अपने घर के अंदर जो अनंत अकूत खजाना पड़ा था और पड़ा है उसका तो पता ही नहीं था। वह खजाना और कोई नहीं, जिसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत, वह तुम्हारी अपनी आत्मा है, वही सभी जीवों की आत्मा है, उसे जानना, ये आत्मबोध शिविर चल रहा है, उसी धन को जानना है, जिस धन को प्राप्त करने के बाद कोई धन प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। किसी ने पूछा क्यों महाराज जी, और ज्यादा धन मिल जाएगा तो क्या दिक्कत? अरे मूर्ख, वह ऐसा धन है जिससे बाहर, जिससे परे, जिससे भिन्न कोई धन है ही नहीं, वह ऐसा आनंद है जिससे परे, जिससे भिन्न, जिससे इतर, जिसके बाहर कोई आनंद कोई प्रेम है ही नहीं, वह सर्वस्व है, वह सर्वत्व है, वह सर्वदा है, एकमात्र तत्व है, इसलिए उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहता, उसे जान लेने के पश्चात उस एक तत्व को जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। जो छांदोग्य उपनिषद का जो महावाक्य है तत्वमसि, उसमें यहीं से प्रारंभ होता है। अरुणी जो पुत्र है ऋषि के, जो श्वेत केतु पुत्र है, वहां पर जो शिष्य बना है, उससे वही पूछा गुरु ने कि क्या तुमने, वो बहुत विद्वान होकर कहीं किसी सबसे बड़े विद्वान के गुरुकुल में भेजा था और जो पढ़ करके आ गया, अहंकारी हो गया, तब पिता ने, जो गुरु थे ब्रह्मज्ञानी थे, बोला कि बेटे तुम्हें तुम्हारे गुरु ने उस ज्ञान को दिया जिस ज्ञान को प्राप्त करके जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्या वह तत्व तुम्हें प्राप्त हुए जिसे प्राप्त करने के पास पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता? बच्चे का दिमाग चकरा गया, नहीं पिताश्री, मुझे तो सारा ज्ञान मिल गया, वेद वेदांत ज्योतिष सबका प्रकांड, ये ज्ञान तो मुझे पता ही नहीं चला, ये कौन सा? फिर वह
जो तत्वमसी का 9 बार जो तत्वमसी, तुम वही तत्व हो, तुम वही तत्व हो, वह वही जो चैतन्य आत्मा है, जो चैतन्य सत्ता आपके अंदर विद्यमान है, वह धन है जिस धन को प्राप्त कर लेने के पश्चात कोई धन प्राप्त करने को शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई धन है ही नहीं। जिसे प्राप्त, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी फिजिक्स केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सर्वविद्या प्रतिष्ठायाम, जो समस्त सृष्टि के जितने रहस्य हैं उनका अधिष्ठान वह है। आप देखें एक उदाहरण छोटा सा, 1971 का नोबेल प्राइज डेविड बोहम को मिला था, क्वांटम मैकेनिक्स का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का मित्र था। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत वेदांत का जो दर्शन है उससे बहुत मिलता जुलता है। तो देखिए नोबेल प्राइज इस व्यक्ति को मिला हुआ है, डेविड बोहम को। वह जय कृष्णमूर्ति, जेदु कृष्णमूर्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1985 में ब्रह्मलीन हुए, ज़्यादा तो अमेरिका में ही रहे। ब्रह्मज्ञानी थे, स्वतंत्र चिंतक माने जाते थे। तो उनके साथ आप देखेंगे YouTube पर जाएंगे, डेविड बोहम एंड जय कृष्णमूर्ति, मिलेगा संवाद। ये पोंगापंथी जो बाबा कह दो कि अच्छा माला उठा ली, और जो नोबेल लॉरियट है और सृष्टि में पहले जो आइंस्टीन की और ये सब जो फिजिक्स के जो फंडामेंटल रूल थे उनको चुनौती दी, और क्वांटम मैकेनिक्स को पहली बार रिकॉग्निशन मिला, और जिसको मिला वह वैज्ञानिक जय कृष्णमूर्ति नहीं मिलने आएंगे कभी भी। जय कृष्णमूर्ति से अपॉइंटमेंट लेकर नोबेल लॉरियट को भी जाना पड़ेगा। आप जाकर देखेंगे वीडियो, जे कृष्णमूर्ति वॉज नॉट ए फिजिसिस्ट, नॉट ए केमिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट नहीं थे, वो तो रहस्यवादी थे, वो तो आत्मवेता थे, वह ब्रह्मवेता थे। तो किसी पोंगापंथी से मिलने गया था क्या डेविड बोहम? उसको भी यह लग गया कि इनको और ऐसे लोगों को तो वह धन मिल जाता है जिस धन को मिल जाने के पश्चात कुछ नहीं पाने को शेष रहता, मुझे तो नोबेल प्राइज मिल गया लेकिन ये भी रहते इच्छा, फिर भी मेरा अब दूसरा नोबेल प्राइज तो नहीं मिल सकता है, लेकिन जितने साइंटिफिक जर्नल हैं अधिकांश मेरे प्रवचन उसमें लेक्चर, जो नोबेल प्राइज और हर जगह लेक्चर चले, पैसे मिले। यह कामना से मुक्त तो नहीं हुआ नोबेल प्राइज विजेता? आपके देश में ही 2-3 तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला, फिर बनर्जी को मिला इकोनॉमिक्स में ही, उनसे जाकर के देखिए, अमर्त्य सेन की 4 पत्नियां अमेरिका में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यायशास्त्र के भी प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के भी प्रोफेसर हैं, 4थी पत्नी से सारी की तो संतुष्ट हुए, वह धन तो नहीं मिला। वह धन तो वेदांत विद्या निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध धन है, और उस धन को उपलब्ध हो जाने पर कोई पुरस्कार पाने को बच नहीं जाता, कोई सम्मान पाने को शेष नहीं रह जाता, कोई धन प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाता, कोई ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वह एकमात्र सत्य है, वह एकमात्र तत्व है, उसके सिवाय सब कुछ उसी में कल्पित है। अब बताओ कि उसको प्राप्त करना और उसे प्राप्त करने के लिए कोई साधना करना, या उसके अन्यत्र अपना एक समय भी, एक मिनट गंवाना, या एक अधेला भी गंवाना, 5 पैसे भी मूर्खता है कि ज्ञानी की बात है? और गुरु अर्थात वेदांत कह रहा है कि अनुभूत सत्य होगा तुम्हें, फिर भी अपनी मूर्खता में अपना गला काट रहे हैं। मैं 2 बात कहने जा रहा हूं, इसी सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं, एक की ही, एक एक सूत्र पर मैं कम से कम 7 दिन तक बोल सकता हूं, क्योंकि उसको इस प्रकार से समझता हूं, संस्कृत की गरिमा है, वेदांत की गरिमा है, कि उस तत्व को आप समझ लें तो अनंत व्याख्याएं हो सकती हैं। बहुत से यहां संत, जो कैलाश पीठ है ऋषिकेश में, सबसे पुरानी पीठ है वेदांत की, 1885 में स्थापित है, जहाँ विवेकानंद भी पढ़ने आए थे वेदांत, स्वामी रामतीर्थ भी आए थे, स्वामी शिवानंद भी, और उस फुटप्रिंट में मैं भी वहाँ पर जाकर के कुछ दिन अध्ययन किया गुरुदेव की कृपा से। वहाँ के महामंडलेश्वर अध्यक्ष थे स्वामी विद्यानंद गिरी जी, एक श्लोक पर भगवद गीता के कम से कम 7 दिन व्याख्या करते थे, कम से कम 7 दिन व्याख्या करते थे, और
मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं और मैं कर सकता हूं। तो वह आपको बताने जा रहा हूं, एक ही सूत्र की मंगलाचरण की व्याख्या कर रहा हूं और बड़ा चौंकाएगा भी जो कहने जा रहा हूं आपको। आप सुख की प्यास है, आपको सुख की खोज कर रहे हो, प्यार की, प्रेम की, सौंदर्य की खोज है। अरे मूर्खों, प्रेम सौंदर्य सुख तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम खेती कर रहे हो दुख की, तुम खेती कर रहे हो कुरूपता की, तुम खेती कर रहे हो दरिद्रता की। तुम्हारा जितना प्रयत्न है, प्रयास है, खेती अर्थात कर्म, जितने भी तुम कर्म कर रहे हो सुख पाने के लिए, परम परिणति दुख में मिल रहा है। दुख तो कभी भी, यही तो उद्घोष है वेदांत का, कि सुख जो परमानंद स्वरूप जो तत्व है कर्म से उपलब्ध नहीं होगा, धन से उपलब्ध नहीं होगा, वह तुम्हारा स्वरूप है, स्वरूप का अज्ञान हो गया है, उस अज्ञान के निवृत्ति मात्र से वह उपलब्ध होगा जो नित्य उपलब्ध तत्व है। इसलिए तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं जो परिश्रम प्रयास जो भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, आनंद के लिए कर रहा हूं। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, दुख तुम्हारा सृजित है, प्रयास की उत्पत्ति है, तुम्हारे कर्म की उत्पत्ति है। अभी यही बस अपने स्वभाव को जानो, अपने तत्व को जानो, तुम्हारा अपना स्वभाव है। अरे परमानंद मेरी अपनी संपत्ति है। मेरा एक मित्र यहां मेरे वेदांत पर बड़ी निष्ठा रखते थे, ब्रह्मलीन हो गए पिछले साल, तो देसी भाषा में हरियाणा क्या बोलते थे, अरे सुख के लिए कहाँ जाना, अपना माल है, अपने बाप का माल है, क्यों जाऊंगा दूसरे के यहां। वह तत्व है अपने बाप का माल, अर्थात सदा मेरा उस पर एकाधिकार है, मेरे पिताश्री ने मुझे दिया है, वह परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा पिता है, और वहीं वहां पर वह माल जो धन है, जो चैतन्य धन है, जो ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, वह नित्य उपलब्ध है। इसलिए यह जो अटपटी बात लग रही है कि तुम कर्म से पालोगे, अगर कर्म जितने भी तुमने किए हैं उन्होंने, अब इसका तात्पर्य अगर सतही स्तर पर लेना तो ऐसा न करना कि चादर तान के सो जाना। इसका गहरा अर्थ समझो कि अज्ञान में जितने कर्म होंगे तो वो दुखदायी ही होंगे। तुमने पत्नी के लिए कर्म किया, तुमने पति के लिए कर्म किया, तुमने संतान के लिए किया, तुमने मकान के लिए किया, और मिला क्या तुम जानते हो। जिस सुख के लिए किया वह सुख नहीं मिला, जिस प्रेम के लिए वह प्रेम नहीं मिला, जिस सौंदर्य की खोज में जिसकी प्यास थी वह सौंदर्य नहीं मिला, क्योंकि वह तो कहीं अन्यत्र है, गलत जगह पर खोज रहे थे। वह तो तुम्हारे हृदय में नित्य उपलब्ध है, वह प्रेम गंगा बह रही है, वह अनंत आनंद का अनंत महासागर नित्य प्रवाहित हो रही है। सृष्टि का कोई डाकू लुटेरा परमाणु बम उसे स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखता है, वह तुम्हारी अपनी आत्मा है। इसलिए दुख तुम्हारे कर्मों के फल हैं, आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, घृणा तुमने घृणा की खेती की है, घृणा के लिए बड़ी परिश्रम किया है। मैं बहुत संन्यास के पूर्व से मुझे नग्न दिखता था कि तू अपना पैर काट रहा है और तुझे दिख नहीं रहा है। सुबह से शाम तक तो मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारे जीवन को देखा जाए तो नग्न रूप से दिखता है। दया भी आती है कि ये व्यक्ति जो कालिदास की कथा पढ़िए ना, जिस टहनी पर बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। हम सबकी कथा है ये वास्तव में, जो हमारा अधिष्ठान है, जो आनंद का स्रोत है टहनी, अर्थात मुझे धारण जिसने किया है, धारयति धर्म, दैट विच होल्ड्स मी इज धर्म, धारण मुझे किसने किया है, कृष्ण ने, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो नित्य मेरी आत्मा के रूप में विद्यमान है, और मैं खोज रहा हूं पत्नी, पति, धन, मकान, दुकान। मकान दुकान आवश्यक है, यह नहीं कह रहा हूं कि जला दो अपने मकान को दुकान को, वो तो जीवन पालन के लिए व्यवहारिक उपयोगिता है, यहां तक समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुमने मान लिया है कि
ये मकान मुझे सुख देगी। अरे शरीर को बचाने के लिए मकान चाहिए, भोजन भी चाहिए क्षुधा के लिए, लेकिन तुम्हारा सुख कहीं अन्यत्र है, वह तुम्हारा स्वभाव है। कहना यह चाह रहा हूं, तुम्हारी आसक्ति मकान में, दुकान में, पति में, पत्नी में नहीं। पति कोई समस्या नहीं, पत्नी कोई समस्या नहीं, संतान भी समस्या नहीं, आसक्ति समस्या है तुम्हारी। तुम्हारा भ्रम की मेरी संतान सुख देगी, और फिर वानप्रस्थ में बुढ़ापे में भागना पड़ रहा है ओल्ड एज होम में, वह समस्या है। इसलिए आनंद के लिए कहीं नहीं जाना है, आनंद का कोई खर्च नहीं, प्रेम के लिए कोई खर्च नहीं। सौंदर्य, आदि शंकराचार्य बोलते हैं आत्मानम अति सुंदरम। बहुतों को आश्चर्य होता होगा, सोचते हो ये बाबा क्या बोलता है। मैं बोलता हूं मैं सौंदर्य मूर्ति हूं, मेरे बाहर मुझसे भिन्न, मुझसे परे ब्रह्मांड में सौंदर्य की कोई कणिका मात्र भी नहीं हो। अब बोलेगा अरे महाराज ब्यूटी क्वीन बोलते, कोई नारी बोलती तो थोड़ा समझ में भी आता। आप ये भी बोलते कि मैं सबसे सुंदर हूं, ये भी थोड़ा। आप बोलते हो कि मेरे अतिरिक्त ब्रह्मांड में सौंदर्य कहीं भी नहीं है। यस, आदि शंकराचार्य यही कह रहे हैं आत्मानम अति सुंदरम। तुमने देखा नहीं है आत्मा का रसपान तो करो। सृष्टि की सारी सुंदरियां, सारे सौंदर्य के जो पदार्थ हैं, कोयला हो जाएंगे, क्षण भर में कोयला हो जाएंगे। कोयला नहीं हो जाएंगे तो सारे धन वैभव को छोड़ करके हिमालय पर क्यों चला गया? बुद्ध के पास क्या कमी थी, किस लिए चले गए? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो संबत भर्तृहरि, भर्तृहरि विक्रमादित्य, भर्तृ उनके बड़े भाई थे भर्तृहरि, जो वैराग्य शतकम, नीति शतकम, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में भी नीति शतकम पढ़ाया जाता है, और वैराग्य अध्यात्म में भी नीति वैराग्य शतकम। वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनकी पत्नी के बारे में कुछ प्रसंग, प्रेम प्रसंग का पता चला, तत्काल वैराग्य हुआ और चले आए। यहाँ जो हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर है ना, मान्यता यही है कि उन्होंने ही पहली घाट वहां से बनाई थी हजारों वर्ष पूर्व, और बहुत कुछ जो वहां पर जो बसाया। तो सम्राटों को, महावीर को दिख गया, बुद्ध को दिख गया, कितनी प्रेम करने वाली वह पत्नी थी, फिर भी दिख गया कि जिसकी खोज है ये पत्नी। तो मुझे अगर मान भी लूं कि मेरा समर्पण एक निष्ठ रहेगा, लेकिन क्या दुख क्या भय से मुक्त मैं हो पाऊंगा? पत्नी अगर इतनी प्रेम भी करती है, पति मुझसे इतना प्रेम करता है, चलो ये गारंटी भी हो गया, तो उसके शरीर की गारंटी सृष्टि में बताओ एक क्षण की है क्या? अगले क्षण नहीं मर जाएगी, अगले दिन नहीं मर जाएगी, और नहीं मर जाएगा, सृष्टि में कोई गारंटी दे सकता है? लेकिन वह जो तुम्हारी परम प्रियतमा, तुम्हारी परम प्रेमास्पद, जो बृहदारण्यक में परम प्रेमास्पद के रूप में जानी जाती है, वह तुम्हारी आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न आती है, न जाती है, नित्य आनंद। इसीलिए उसी के लिए शब्द आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन। चार दिन पहले का मेरा प्रवचन सुनो, ये कैसे शब्द है, लेकिन ये आत्मविद के लिए है। वह आत्मा से ही क्रीड़ा करता है, आत्मा से ही मैथुन करता है, आत्मानंद का रसपान। कौन? ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, क्योंकि आनंद का एक छत्र भंडार वह तुम्हारी आत्मा है। उसी के निमित्त ये आत्मबोध है, उसी के निमित्त जो परम पुरुषार्थ है, उसी के निमित्त ये जो गैरिक वस्त्र है, ज्ञानाग्नि का प्रतीक है। यह 200 रुपए में कपड़ा पहन के, लाल पीला पहन के ब्रह्मज्ञान नहीं हो जाता है। अगर तुम्हारी चेतना अगर नहीं वैराग्य को रंगी, और वैराग्य को उपलब्ध नहीं हुई, और जो ज्ञानाग्नि नहीं फूटी, तो तू दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे, कई जन्म लगेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, चिंतित हैं, भय से ग्रस्त हैं, डर डर के जी रहे हैं, संबंध के, शरीर से संबंधी, ये सारे के सारे भय तुम्हारे कर्मों के फल है, तुमने सृजित किया है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारा जो स्वरूप है उसको पहले जानो किसी ब्रह्मविद गुरु से, अब बस उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम सम्राटों के सम्राट हो, तुम अमर तत्व हो, मृत्यु तुम्हें नहीं छू सकती, शरीर तो तुम थे ही नहीं, अभी भी नहीं हो, न सूक्ष्म शरीर हो, न अस्थूल शरीर हो, न कारण शरीर हो, इन तीनों का प्रकाशक जो अभी उपलब्ध जो आत्मा है, वह आत्मा है, वही ब्रह्म है, और वही गुरु बन के आता है। तो मंगलाचरण में यह जो निरूपित
किया मैंने पहले सूत्र में कि अब बताओ कि श्री हरि का वंदन करें या न करें, अब बताओ कि वो श्री हरि जो गुरुदेव मुझे उस धन को दिला देंगे जिस धन को प्राप्त हो जाने के पश्चात मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान नहीं होऊंगा, दुनिया का सर्वस्व धन एकमात्र मेरा, मैं बोलता भी उसमें कि सृष्टि के सारे धन पर एकमात्र मेरा कब्जा है, माफिया हूं सृष्टि का, वो ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी के रूप में बोलने का तात्पर्य है, क्योंकि चैतन्य में प्रतिष्ठित जो निर्विकल्प समाधि में जब जाते हो वही अनुभूति होती है कि सब मिथ्या है, कहने से मिथ्या नहीं हो जाएगा। अरे बेटे छोड़ के आ जा, पत्नी को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, आ जा मेरे आश्रम में दान कर दे, उससे कुछ नहीं घटेगा, गुरु भी पाखंडी शिष्य भी पाखंडी। जिसने तत्व बोध किया है, अनुभूति की है, अपरोक्षानुभूति विज्ञान के रूप में उस धन को पाया है, तो उसका चरित्र देखिए, उसका व्यवहार देखिए, फिर वो चेले नहीं ढूंढता फिरेगा, फिर मुझे किस आश्रम का अध्यक्ष बना दो। कोई घटना व्यक्तिगत बोलता है लेकिन बोलना ठीक नहीं है, व्यक्तिगत रूप में कोई किसी को अभिरुचि हो, चलिए एक पंक्ति केवल, संन्यास बनने के एक साल के अंदर की ही बात है, कहीं पर गया भगवत गीता पर प्रवचन करने के लिए बुलाया, यहाँ से आसपास की ही घटना है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ही बुलाया गया, मुजफ्फरनगर और शामली जिले में प्रवचन भगवत गीता पर किया, उन्होंने बोला चलिए किसी स्थान का नाम करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसलिए बता नहीं रहा हूँ, तो बोले तीर्थ स्थान पर बोले कि चलिए महाराज, वहाँ गए, वो भारत का सबसे बड़ा आश्रम है, हेलीपैड भी है वहाँ पर, और 500-700 लोग तो कोई भी इस देश का 3 दिन आकर के रहना खाना सब फ्री है, और बहुत पुरातन पीठ है, नाम नहीं लूँगा आप सब जान जाएंगे। तो मैं वहाँ पर गया और जो लोग लेके गए थे तो उन्होंने सूचित किया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक महाराज जी आए हैं, आप उन्हें रख लेंगे, उनको जरा बढ़िया देना, ऐसे ऐसे महाराज जी हैं अच्छा देंगे, तो उसको डांट दिए, बोले कि महाराज जी वो कैसे रखेंगे, तुम्हारी को क्या चिंता है, तुम जाओ यहाँ से, अब मैं महाराज जी के पास जाता हूँ लाऊंगा ना, मुझे आए लेके गए, और जो अब अगली घटना भी वो कुछ खास जो जगह है उस जगह पर ठहरा जहाँ ज्ञान किसी को हुआ था, जो सब प्रतिदिन चलती है चर्चा, और एक दिन केवल रहा, और उनसे वो पढ़े लिखे महाराज थे, MSc केमिस्ट्री से किया था जो पिता, अब मेरे से जो वार्तालाप हुआ तो उनको मेरा परिचय पता चल गया, उस समय भी एक साल में सन्यासी हुआ था मैं, तो बोल देता था कि ये करता था, बोले कि वही रिपोर्ट, बोले कि इंटरनेट पर सारा पढ़ा हूँ, दुनिया भर में पढ़ा हुआ हूँ, रिपोर्ट जाके देख लो, एक इंटरनेट से निकाला पढ़ लिया, अगले दिन मुझे उन्होंने खुद नहीं बोला, उनके जो दूसरे प्रबंधक थे वो धीरे से आकर के बोले महाराज जी अब संभालो। मैं वहाँ गया था 4-5 दिन रहने की इच्छा थी, उन्होंने बोला कि महाराज जी ने गुरुदेव ने बोल रहे हैं कि इनको दे दो, बोलो कि ये संभाले जैसे मन करें, सैकड़ों लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई पुस्तकें छपवाई थी तो मुझे दिया कि महाराज जी देख लीजिए कोई करेक्शन है, मैंने लिया और एक मिनट में एडिटर ढूंढा बैठा था, मैंने बोला कि इसको फाड़ के फेंक दो, मैं इसमें सुधार नहीं कर सकता, मैं न्यू राइटिंग कर दूंगा, आधे घंटे में कंप्यूटर पर बैठा और सब लिख लख दिया है करके, वो उनको समझ में आया, और मैं कॉन्फिडेंस से बोला तो एडिटर वगैरह जो भी थे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, मैं प्रोफेशनल एडिटर रहा हुआ, तो उनको फिर पता चल गया, अब अगले दिन उनको पता चल गया तो बोले कि महाराज ये संभालो, बोले अच्छा मैं संभालूं, अच्छा ठीक है मैं सोचता हूं, मैं गुप्त रूप से अभी 2-4 दिन रहना था, मैं गया कमरे में, हमारे से गया महाराज जी फोन आ गया मुझे दिल्ली से कोई बहुत सूचना के, मैं जा रहा हूँ फिर आऊँगा, मैं भाग लिया वहाँ से, भाग इसलिए मैंने लिया, मेरी अभिरुचि थी विशुद्ध आत्मबोध में, अद्वैत वेदांत में, और वहाँ पर वह पीठ है भागवत का पीठ, सबसे बड़ा पीठ है, और वहाँ पर 1000 लोग रोज आते हैं, तो वहाँ पर बैठना पड़ता, पैर छुआने के लिए लाखों रुपए आते, उसकी तो चिंता करनी पड़ती, बल्कि ना बाबा ये नरक मुझे नहीं भोगना है, मैं दरिद्र रह जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, लेकिन जी इसके लिए सन्यासी नहीं बना हूँ तो छोड़ के आया हूँ, कि सुबह से शाम मेरा क्या काम है, आ रहे हैं देश भर से बाबा जी पढ़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लोग संभालो, गुप्त रूप से भाग गया, इतना प्रेम उन्होंने दर्शाया ना, तो मैं ऐसे कहने में भी बड़ा दिक्कत हुआ, तो मैं बोला कि मैं आऊंगा फिर, उसके बाद गया नहीं कि मैं अद्वैत वेदांत के सिवाय एक क्षण भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं हूं, दूसरी वो अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन मेरा विशुद्ध रूप से तो कह ये रहा हूं कि उसमें पूरा ज्ञान मुझे नहीं हुआ था, झूठ नहीं बोला हूं, लेकिन जो भी थोड़ी सी
बूंदों को चखा था उतनी ही पर्याप्त थी कि ये दुनिया का मुझे कोई हेलीपैड और कोई आश्रम का मठाध्यक्ष होना चिट्ठी के बराबर भी नहीं था, नहीं तो किस लिए बराबर था। वह अपनी घटना बताने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि जब तक ये अगला सूत्र ही है, जब तक प्रमाणिक वैराग्य न होगा, ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत तृण पर्यंत सब जब काकविष्ठावत काकविष्ठा की तरह हे न लगेगा, तब तक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान न होगी, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि में अभिरुचि रहेगी, रति रहेगी, तो प्रमाणिक वैराग्य रही चाहिए तुम्हें, तभी आत्मबोध होगा, तभी वह खजाना मिलेगा, तभी वह प्रेसी मिलेगी, तभी वह प्रियतम जो चैतन्य प्रेसी है, चैतन्य सुंदरी है, चैतन्य धन है अपनी आत्मा। उसकी शर्त यही है कि तुम्हारा मन जो आसक्त है बाह्य जगत में नाम रूपात्मक ऐश्वर्य में वैभव में, उससे उपरति ही मात्र करनी है। तुम तो सदा ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हो, तुम्हारा आनंद स्वभाव है। मैंने क्या कहा, दुख तुमने खरीदा है बड़ी मेहनत से, सुख तो तुम्हें फ्री में मिलेगा। घृणा तुमने खरीदी है खेती करके, बहुत परिश्रम किया है मूर्ता में। अरे प्रेम का तो अनंत महासागर तुम्हें नित्य उपलब्ध है, जरा झांक तो अपने अंदर, एक क्षण के लिए झांक तो। लेकिन तू इतना मोहित है इस जगत पर जो है ही नहीं, ब्रह्म के संबंधों पर, इसलिए दुखी हो रहा है, असुरक्षा भाव हो रहा है नित्य। महाराज जी शादी हुई, पति ने ऐसा कर दिया, पत्नी ने ऐसा, संतान है महाराज जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आज युग बड़ा खराब आ गया। मैं पूछता हूं, महाराज सतयुग में कुछ दूसरा होता था? ब्रह्म है तुम्हारा, ये शाश्वत सत्य है, नहीं तो उस समय भी वैराग्य की क्यों आवश्यकता पड़ती, उस समय भी चार धर्म चार वर्ण क्यों होते? थोड़ा अंतर आता जरूर है कुछ कुछ, लेकिन मूल सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितने संबंध हैं सब नाटकीय हैं, मिथ्या हैं। कोई दूसरा आपके प्रेम का, आनंद का, सुख का स्रोत बन नहीं सकता है। इसलिए अब संक्षेप में एक दो जो आज मैं बताने का मेरा प्रयास यह था कि ये जो महाविज्ञान है मान्यता नहीं है, और इस धन को अगर पाना है सौदा करना है, यू हैव टू बिकम अ इंटेलिजेंट ट्रेडर, बेवकूफ नहीं, सौदा। मेरे गुरुदेव का कहा हुआ, नौकरी कर तो सबसे बड़ी नौकरी कर, व्यापार कर तो उस वस्तु को खरीद जिसे खरीदने से सब कुछ खरीदा तुम्हारा हो जाए, वही विद्या यह है, वही व्यापार, वही अर्थशास्त्र यह है, ब्रह्म विद्या है। और इसलिए कह रहा हूं आपकी अभिरुचि जगाने के लिए कि जानो, यह मान्यता नहीं, कल्पना नहीं, अंधविश्वास नहीं, यह महाविज्ञान है। और वह तत्व और वह सुख और शाश्वत सुख जिसे कोई छीन ना पाएगा, सृष्टि का कोई डाकू कोई शत्रु तुम्हें से हरण ना कर पाएगा, वह धन है। इसलिए उसकी महता को तुम समझो, पूरे मनोयोग से अपने एक क्षण भी नष्ट ना करो। अभी तक जो जीवन नष्ट हुआ सो नष्ट हुआ, और पाना बहुत कठिन नहीं है, तुम्हारी प्यास प्रगाढ़ हो जाए। सबसे अधिकारित्व का बस लक्ष्य इतना है, तुम्हारी मुमुक्षा को प्रगाढ़ कर दे, प्यास इतनी तीव्र कर दे कि तुम तड़पने लगो। जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जो तड़पने लगते हैं, आज उस मायने में वहाँ उसकी उपयोगिता है। अगर कुछ तो बहुत सारे दिखावा करते हैं, लेकिन जो वियोग का भाव है, हमारे दादा गुरुदेव कर्पात्री जी महाराज के अनंत प्रवस, उनका महत्व है वहाँ पर। जब वहाँ मुमुक्षत्व के समकक्ष जो भक्ति मार्ग में है, जब अपने जो कृष्ण हैं या राम हैं या शिव हैं, जो भी तुम्हारे आराध्य देव हैं या माँ दुर्ग, कोई भी जो तुम्हारा आराध्य है, उसके लिए वास्तव में जो तुम तड़पने लगोगे तो तत्काल फलित होगा। घटना एक मिनट में बताता हूँ, रामकृष्ण परमहंस की घटना, साक्षात दर्शन काली का उस दिन हुआ। ये विज्ञान है, यही यहाँ पर भी लागू होगा। बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे, सब कर रहे थे, पंडित थे, पुजारी थे, काली घाट आप लोग गए होंगे, गंगा, रामकृष्ण परमहंस जिस कमरे में रहते थे, आज से 25 साल पूर्व मैं उस कमरे में बैठ के वहाँ भी साधना किया था, उस ऊर्जा को मैंने देखा था। तो भजन करते थे, रोते थे, गाते थे, काली के दर्शन नहीं होते थे, अंत में क्षुब्ध हो करके जा करके और वहां जो मूर्ति थी काली के, इतना जोर से मारना शुरू किया, रक्त स्रावित होने लगे, रोने लगे, त्राहि त्राहि करके,
अकेले में ये करके, माँ इतने दिनों से तड़प रहा हूँ, इतने दिनों से, उस समय तक वो अद्वैत को उपलब्ध नहीं हुए थे, तोतापुरी जो उनके गुरु जो अद्वैत वेदांत का, उसके पहले की अवस्था है, लेकिन प्रमाणिक भक्त तो थे उस समय से भी। तो माँ काली माँ काली जाकर रोने लगे, तड़पने लगे कि माँ आज ही मर जाऊंगा मैं, अब तुम्हारे बिना एक क्षण जी नहीं सकता हूँ, साक्षात दर्शन दो नहीं तो अभी मर जाऊंगा। तत्काल माँ काली साक्षात रूप में प्रकट हो गई। आप जो अमृत वचन या उनकी जो चेतावली है रामकृष्ण परमहंस की, वो पढ़िए, उसमें घटना तत्काल माँ काली ने उसका विज्ञान समझो, तुम्हारी प्यास जो जिस चीज की है ही नहीं, तुम अमृत का भी पानी ग्लास में लाओ, मुझे प्यास नहीं है तो क्या आनंद आएगा। तो तुम्हारा जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु है, तुम्हें मुमुक्षा चाहिए नहीं, आत्मज्ञान की कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, प्यास नहीं, तो कौन गुरु तुम्हें बना पाएगा। ये आदिशंकर के उद्घोष है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे गुरु हो जाए, तीनों एक साथ तुम्हें उपदेश करें, लेकिन तुम्हारी विषयों में आसक्ति हो कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी असफल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक विषयों में आसक्ति है तो तुम्हारी समग्र चेतना उनमें संलग्न रहेगी, और जो परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह यहाँ विद्यमान है, नित्य उपलब्ध है, शब्द नहीं है, मान्यता नहीं है, अनुभूति तो यहाँ पर होनी है, इसलिए मन की उपरति करके इसी के लिए अधिकारित्व के ये विभिन्न तत्व हैं यहाँ पर जो निरूपित हैं। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए एक दो श्लोक लेते हैं, उसके बाद निधि ध्यासन में जाएंगे। समय कितना हो गया है? 5 मिनट। 10 मिनट में ये संपन्न करते हैं और थोड़ी निधि ध्यासन संक्षेप में करेंगे। वास्तव में निधि ये जो बोल रहा हूं ना, जो प्रामाणिक मुमुक्ष हो, ये निधि ध्यासन बीच बीच में जो रुक रहा हूं, श्रवण मनन निधि ध्यासन, और मेरा तो श्रवण मनन निधि ध्यासन परसों शायद बोला या नहीं, नहीं 4-5 दिन का पहले का मेरा प्रवचन, उसमें मैंने बोला है कि मेरा तो श्रवण मनन निधि ध्यासन और समाधि साथ होता है, साथ में आपको बोल रहा हूं। समाधि का जो अर्थ समझोगे, जब निधि ध्यासन का शुरू शुरू में ये अच्छा श्रवण करूंगा पहले, फिर चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, निधि ध्यास, बीच बीच में इस तत्व पर अभी आसानी से होगा, जब बोलूंगा कि निधि ध्यासन करो, ध्यान करो, पत्नी याद आएगी, भविष्य की चिंताएं, भूत की स्मृतियां आएंगी, अभी और आसान है, मेरी कम शब्दों ने बांध रखा है आपको। तो निधि ध्यासन हम निमित्त रूप में 5 मिनट यहां पर करेंगे, समझ गए, लेकिन जो विद्या वह समझिए कि निधि ध्यासन में ले जाने वाली क्या है। तो ये सूत्र लेते हैं, दूसरा सूत्र, अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन विक्षणीया मुहुर्मुहुः। केवल एक शब्द इसमें समझिए, कह रहे हैं कि ये अपरोक्षानुभूति ग्रंथ जिसका प्रयोजन है साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन, आत्मदर्शन, वह चैतन्य धन जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, यह उस धन को प्राप्त कराने के निमित्त यह विद्या है जो मैं कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ और मैं सुना रहा हूँ, वह किसके लिए है? यह अधिकारित्व पर शब्द है, क्वालिफिकेशन। सद्भिरेव प्रयत्नेन विक्षणीया मुहुर्मुहुः। सद्भिरेव बड़ा गहरा शब्द है, सद्भिरेव, ये जो आत्मा है एकमात्र सद वस्तु है, और हमारी इंद्रियां असद्भिरेव है, असद में रमण कर रहे हैं इंद्रिय भोगों में, जिसकी चित्त की, अब सद्भिरेव की व्याख्या समझो, जो सुबह में भी कराया था और अभी भी बता रहा हूं, जब तक तुम्हारी इंद्रियां दूषित कलुषित मन, जो वासनाग्रस्त मन है, उससे प्रेरित होकर बाह्य जगत में विचरण कर रही हैं, तब सद्भिरेव नहीं हो सकता, तुमको मोक्ष नहीं हो सकता, तुमको ये आत्मबोध नहीं हो सकता है। जब तुम्हारी वासनाओं से मुक्ति होकर मन शुद्ध हो गया है, मन शुद्ध हो गया है, इंद्रियां शांत हो गई हैं, और अब चिंतन अपने केंद्र पर जाने के लिए है, वहीं सद्भिरेव, योर माइंड एंड सेंसेस हैव बीन ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। वह यहां पर कहने का प्रयास है कि तुम बाह्यमुखी मन को और इंद्रियों को अब उपरति के द्वारा अपने केंद्र पर लाने के लिए तुमने अगर प्रयास प्रारंभ नहीं किया है और नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें चिंतन नहीं होगा। बार बार चुकाते हैं, विक्षणिया मुहुर्मुहुः, इन्वेस्टिगेट टाइम एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, अन्वेषण करो बार 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 बार,
वेदांत में वैज्ञानिक विधि है, एक तत्व को जो सुना उस पर कम से कम 100 बार चिंतन करो, 1000 बार निधि ध्यासन करो और करोड़ों बार जो फल होगा उस पर समाधिस्थ हो जाओ। ये मैथमेटिक्स है। इसलिए अभी और यही वह जो तत्व है आपके अंदर जो नित्य विद्यमान है आत्मा रूप से, जब तक आपकी बाह्यमुखी इंद्रियां वहां पर आने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो संभावना नहीं, आपकी योग्यता नहीं है। और इस योग्यता को बढ़ाने के लिए आगे के जो सूत्र हैं, अब एक सूत्र लीजिए, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्याद चतुष्टयम्। संक्षेप में सीधे समझिए, स्ववर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था जो वैदिक संस्कृति का आधार स्तंभ है, वर्ण और आश्रम, 4 आश्रम और 4 वर्ण है, ये आप जानते हैं। कह रहे हैं भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य कि अपने वर्ण और आश्रम, वो नहीं कह रहे कि तत्काल तू सन्यासी बन जा, बोले कि जो तुम वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो कि गार्हस्थ हो कि वानप्रस्थी हो कि सन्यासी हो, और वर्ण में तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि शैद्र हो, शूद्र हो कि वैश्य हो, और वर्ण जातिगत नहीं था, ये विज्ञान था, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी जिसकी प्रीडोमिनेंट क्वालिटी है उसके आधार पर यह जाति थी, और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव इन्हीं 4 ही जातियों में विभाजित है, तत्वतः किस माता की योनि से पैदा हुआ उससे नहीं तय हुआ हमारी वैदिक संस्कृति में, तो जहां जहां पैदा हुए हो और जिस वर्णाश्रम में हो उसके अनुरूप जो तुम्हारा धर्म है कर्तव्य है उसका पालन करो। क्या कह रहे हैं? पालन करो, भागकर कहीं नहीं जाना, हिमालय नहीं जाना, और उस कर्म के समचित पालन के द्वारा ईश्वर का भजन करो, प्राणिधान ईश्वर प्राणिधान, वंदन करो, भजन करो, और उस परमात्मा को, कौन परमात्मा, जो यहां पर नित्य विद्यमान है उसको प्रसन्न करो, उसकी आराधना प्रारंभ की अवस्था है, जो जिसके लिए भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग को बाईपास कोई नहीं कर सकता, प्रारंभिक सीधे मैं नहीं यहां पर पहुंच गया, युग युग लगे हैं भक्ति के, तब जाकर के ज्ञान। समस्त वेद त्रिकांडमय है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो पहले भी भक्ति करो चित्त की शुद्धि के लिए, उपासना करो और कर्म करो वर्णाश्रम के अनुसार, और इससे उस हरि को जो तुम्हारा गुरु भी है, जो परब्रह्म परमात्मा भी है, उसे संतुष्ट करो, इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी हरि की, हरि के भजन से। तुम्हारा चित्त चंचल है, अशांत है, इंद्रिय भोग के लिए भाग रहा है, तो अपने केंद्र पर, हरि पर अगर केंद्रित होगा तो फिर उस निर्गुण निराकार हरि जो मेरे अंदर व्याप्त है वहां पर भी केंद्रित हो जाएगा। ये तुम्हारे अधिकारित्व को प्रगाढ़ करेगा, प्रखर करेगा। और एक श्लोक केवल और लेते हैं आज, 4 श्लोक कल लेंगे इसी पर। ब्रह्मादिस्थावरांतेषु वैराग्यम विषयस्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम तधि निर्मलम। इसका तत्व मैं बचा चुका हूँ, विज्ञान बता चुका हूँ कि कह रहे हैं कि तुम्हें अगर वह आत्मधन चाहिए, आत्मबोध चाहिए, तो काकविष्ठ, काक की विष्ठा के प्रति तुम्हारा जो घृणा भाव होता है उसी तरह का घृणा भाव ये पंच विषयों के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी आँखों का विषय रूप, तुम्हारे आँखों का विषय जो शब्द है, तुम्हारे जिह्वा का रस स्वादन, ये जितने पंच विषय हैं उनको काक विष्ठावत तुम त्याग दो। वैराग्य प्रमाणिक हुए बिना तुम्हारे उस आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? ये पंच विषय तुम्हें सदा बाह्य ले जा रहे हैं। एक ही सूत्र बार बार आपको कह रहा हूँ, ये सरलतम विधि है, इसी की व्याख्या सारे उपनिषद है। जब तक विषयों में आसक्ति है तुम्हारी चेतना बाह्यमुखी, तुम्हारा मन बाह्यमुखी, तुम्हारी इंद्रियां बाह्यमुखी और परमात्मा केंद्र पर बैठा है। जब वैराग्य हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा हरि के भजन से, तब तुम उपरति को उपलब्ध होगे। और यहां पर अब मुझे किस में रस लूं, मैंने काक विष्ठा, गंदगी, गंदगी का कोई ग्रहण करता है, निकृष्ट है, काक सबसे निकृष्ट प्राणी माना जाता है, तमोगुणी माना जाता है, उसका भी विष्ठा। इसी तरह से संसार के पंच विषय काक विष्ठा के समान त्याग दो,
तो तुम्हारा मन जो है जो भी क्षोभ को डिप्रेशन को असुरक्षा को उपलब्ध हुआ वह शांत होकर के अभी तैयार हो जाएगा उस परम वैभव उस चैतन्य महासागर में गोते लगाने के लिए, जिसमें एक डुबकी लगाने के पश्चात आनंद के अनंत महासागर में एक गोते लगाने के पास तुम वह अनंत महासागर ही हो जाते हो, वह चैतन्य महासागर तुम सदा थे ही सदा हो वही हो, जिसमें कोई अभाव नहीं, जिसमें कोई असुरक्षा नहीं, कोई भय नहीं, कोई कामना नहीं, तुम आप्त काम हो जाते हो, तुम तृप्त काम हो जाते हो, क्योंकि तुमने सर्वस्व पा लिया। इसलिए बाह्य वृत्ति जो मेरे इंद्रिय और मन की है उसे रोक करके केंद्र पर कैसे लाएं, इसके लिए चार और स्पष्ट करती हुई विधियां, उपरति है, तितिक्षा है, सम है, दम है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। अब 5 मिनट 7 मिनट के लिए देखिए, चूंकि 10 मिनट प्रतिदिन लेट से प्रारंभ होता है तो 10 मिनट और कर लेते हैं। जो निधि ध्यासन, अब एक सूचना है, निधि ध्यासन, अच्छा आप ये बताइए, अगर बद्रिकाश्रम जाना है, भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करना है तो कितने मार्गों से जाना आवश्यक है? अरे भगवान का दर्शन, मुझे एक दर्शन करना मेरा अभीष्ट है, मुझे 50 मार्ग से 50 बार जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको निधि ध्यासन की ब्रह्म को कितनी बार पाना है, ध्यान से समझिए जो बता रहा हूं, ब्रह्म को कितनी बार पाना है? अरे ब्रह्म को मुझे एक बार पाना है, क्योंकि एक बार जब वो तो प्राप्त है लेकिन अज्ञान के कारण अप्राप्त सा लग रहा है, जब एक बार बोध में आ गया तो जा ही नहीं सकता है, तो बस एक बार जानना है। इसलिए जितनी विद्याएं अनंत हैं, मैं जान रहा हूं अध्ययन किया युग युग की, लेकिन आपको सब मार्ग नहीं जानना है, इसलिए निधि ध्यासन एक मंत्र पर करने जा रहे हैं, जो कल जिस मंत्र पर किया था उसी पर निधि ध्यासन। और एक हफ्ते तो कुछ नहीं होते हैं, सालों साल एक मंत्र पर 50-60-70 वर्ष जो उसी में मिल जाता है वह तत्व, तो वह जो महावाक्य था उसकी व्याख्या की थी, दो एक मिनट में उसकी व्याख्या करता हूं और सभी बैठ जाइए। जब भी ध्यान में, समाधि में, निधि ध्यासन में बैठे, योर स्पाइन मस्ट बी एट 90 डिग्री 90, क्योंकि जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो अवरुद्ध हो जाती है, ध्यान न लगेगा। आप बैठिए, सावधान होकर बैठिए सभी, 90 के डिग्री पर तो तत्काल वह ध्यान भी केंद्रित होता है। और जो लोग नहीं थे तो उन लोगों को संक्षेप में वह बता देता हूं मंत्र कि अभी वह ब्रह्म कहाँ है और उसका निधि ध्यासन करना है। तो मैंने कल बताया था जो बृहदारण्य का एक मंत्र, अयमात्मा ब्रह्मा सर्वानुभव, यह सर्वानुभोक्ता मेरी आत्मा है, यही ब्रह्म है, यह मेरी आत्मा जो सबको देखने वाली है, सर्वद्रष्टा है, वही ब्रह्म है, यह मेरी आत्मा जो सबको जानती है, जानने वाली है, वही ब्रह्म है। दिस आत्मन, दिस कॉन्शियसनेस विच इज परसीवर ऑफ ऑल इज ब्रह्मन, द सीयर, द परसीवर, द एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल इज ब्रह्मन माई आत्मन, वह मेरी आत्मा जो सब देख रही है, अभी जो देखने की घटना घट रही है, जो सच्चिदानंद के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, वह कानों में जाकर शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, बुद्धि उसका अर्थ निकाल रही है, वह अर्थ जो निकालने वाले जो प्रकाश सत्ता है, जो चैतन्य सत्ता है, वही तो आत्मा है, वह चैतन्य तत्व ही तो ब्रह्म है, अभी उपलब्ध है, सदा उपलब्ध था, सदा उपलब्ध रहेगा। आइए अब इसे किसी भी भाषा में बोलें, लेकिन मंत्र अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, इसका अर्थ समझें, शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं, हालांकि मंत्र है, एक मंत्र को याद करना उतना कठिन नहीं होना चाहिए, और इसके अर्थ को भाव को करें कि अभी यही जो मेरे हृदय के केंद्र में, मेरे मन बुद्धि के प्रकाशक के रूप में जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्मा है, वही ब्रह्म है, यही समस्त वेद का उद्घोष है, श्रीमद् भगवद गीता का उद्घोष है, यही महावाक्य मांडुक्य उपनिषद में अयमात्मा ब्रह्म
महावाक्य जाना जाता है, लेकिन मैंने जिस रूप में बृहदारण्यक से इसे लाया आपके लिए वो और नग्न कर देता है उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को। कौन सा ब्रह्म? जो यहीं और अभी सब कुछ अनुभव कर रहा है, जिसे बोध हो रहा है, जो जान रहा है इंद्रियों के उपकरण के माध्यम से, मन बुद्धि के उपकरण के माध्यम से। ये इंद्रियां मन बुद्धि सब जड़ हैं, इन्हें जानने सुनने की कोई सत्ता नहीं। तो मेरी जानने सुनने बोध करने वाली जो सत्ता है, वही मेरी आत्मा है, वही ब्रह्म है। दृढ़ संकल्प करें, अनुसंधान करें मौन होकर।